रियली वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम्हें वहाँ भेजने का फैसला मेरा ही था और मुझे नहीं पता था कि मिसेस रूज ने इतनी बदतमीज औरत बहुत रुसवा किया है। और दूसरा ये कि इतना तजर्बा होने के बावजूद भी मैं उनकी बदनीयती को पहचान ही नहीं सका, इसी बात का तो अफसोस है। सर, किसी को पहचानना आसान नहीं होता, किसके दिल में क्या है आप नहीं बता सकते, लेकिन मजे की बात है कि आप पर वो हकीकत बहुत जल्द खुली जाती है, चाहे वो अच्छाई से हो या बुराई से। बहुत अफसोस हुआ, रेहान का गुस्सा उसने तुम पर उतार दिया, रुस्वा किया उसने। अगर ऐसा ही था तो अपने शौहर से बात करती हूँ जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने भी आज सुबह ही मिसेस नूर को एक लीगल नोटिस भेजा, देखो क्या होगा और उसके बाद जो मौसम उसके साथ करेगा। पर ये मत भूलो कि मौसम साहब उसके मेन डोनर हैं और तुम और नाजी मौसम साहब की बेटी हो, रेहान की भी नहीं चलेगी उनके आगे। सर, कितना अच्छा होता ना कि मैं एक आम इंसान की बेटी हूँ और फिर वो मुझे कभी ना छोड़ कर जाता, मैं कितनी खुश और महफूज होती, है ना। देखो वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, तुम कोशिश करो उन्हें माफ करने की। अच्छा खैर, आप किसी जरूरी काम का कह रहे थे मुझे अंदर, क्या था वो? मैं ये कह रहा था कि तुम्हें मिसेस नूर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया है, औरतों का शेल्टर होम, वहां पर बहुत सारी औरतें उनकी कहानियां तुम्हारी मुंतजर हैं। मैं आज ही जाकर सर मिलना चाहूंगी। बिल्कुल सही, अब चलते हैं, चल के थोड़ा खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे शदीद। ये देखो कमेंट्स, एक बहन औरतों के हकूक के लिए लड़ती है और दूसरी बहन औरतों के घर उजाड़ती है। ये दोनों बहनें जो है ना मम्मी, निहायत चालाक हैं, उनको अपना मतलब निकालना आता है। कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे दिल में अपनी बहनों के लिए। वो दोनों मेरी बहनें नहीं है और आप जो कुछ भी कहें, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तो क्या फर्क पड़ता है तो मेरी बेटियां, लेकिन मैं उनकी बेइज्जती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अभी आयमा और जैन को साथ देखा है, ये जानते हुए भी कि मैं जैन को पसंद करती हूँ, आयमा फिर भी हम दोनों के बीच में आई है। आयमा बीच में नहीं आई, तुम बीच में आई हो। वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तलत ने आज सुबह दोनों का रिश्ता तय कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बेवकूफ बनाती रही आप मुझे, आपने तो कहा था कि मेरी शादी जैन से होगी और पापा करवाएंगे, और मैं इतनी स्टूपिड हूं क्योंकि मैंने आप पे बिलीव किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि अब वो सिर्फ आयमा और नाजी के बाप है, मेरे नहीं। इस घर में तो किसी को मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। सोनिया, सोनिया,